वाराणसी में सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु सिंह राणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हमारी पार्टी ने हमको लोकसभा 2024 के चुनाव में प्रत्याशी बनाया है और मैं वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद व विश्वास है कि वाराणसी की जनता हमारा भरपूर सहयोग करेगी। देखिए हमारे इनका सहयोग करवा देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं आप? लोकसभा 77। तो क्या करेंगी अगर मान लीजिए कि पब्लिक ने आपको जिता दिया, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगी? देखिए, एक तो महिलाओं के अधिकार नहीं है जी, और जो जनता को अधिकार चाहिए वो अधिकार नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन पे लगा के रख दिए। देखिए, आज़ादी के 72 साल होने के बाद अगर हम 5 किलो आटा पे अगर हम अटके हुए हैं, तो हमारा ऐसा लोकतंत्र कहिए या राजतंत्र कहिए, दोनों खत्म है। मैम, बात की जाए तो महिलाओं की हर पार्टी बात करती है कि महिलाओं को सुरक्षा दिलाएंगे, महिलाओं के लिए शिक्षा का इंतजाम करेंगे, तमाम चीज़ें लोग करते हैं, लेकिन जब वो सरकार में आते हैं तो उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। देखिए, मैं उन पार्टी में से नहीं हूँ, हमारे पार्टी का नाम ही है सोशल समाजवादी। तो हम जो हमारी पार्टी बनाने का उद्देश्य ये आम जनता का ही, तो आम जनता के लिए। एक सवाल मैम ये जानना चाहते हैं कि आपके चुनाव लड़ने पे आपके पार्टी की तरफ से क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो ऐसे जनता के बीच में? देखिए, मैं प्रेस वार्ता के तहत मैंने दे दी हूँ और मैं जहाँ तक मेरे से बनेगा मैं फिजिकली करूँगी जनता को। जैसे कि मैं जनता के लिए अधिकार है, क्या अधिकार होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार क्या है उनके लिए, तो मैं घर घर जा कर के और मैं अधिकार लेने का जागरूक करूँ। क्या कहना चाहेंगी समस्त काशीवासियों से, क्या अपील करना? देखिए, मैं चाहती हूँ इस बनारस के जनता को कि देखिए, एक गुजराती आकर के यहाँ पे और हमारे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे इसने चैलेंज कर रहा है कि 10 साल में कुछ नहीं कर पाए और 5 साल और मांग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारतवासियों से और ख़ास करके बनारस वासियों से कि हमारे देश की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश की जनता जो है उसको बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, उसके चाहिए नौजवान ही है और जो हम कर सकते हैं वो बैसाखी के चलने वाला नहीं कर सकते। सोशल समाज पार्टी ने कितने प्रत्याशियों को उतारा है? देखिए, अभी हम 3 प्रत्याशियों के बात चल रही है हमारी, देवरिया की चल रही है और एक बनारस से मैं खुद लड़ूंगी और एक हो सकता है कि एक मैं इलाहाबाद से। आपकी पार्टी में किसी से अलायंस हुआ है? नहीं, अभी नहीं, विचार चल रही है। कुछ सीटों पे किससे करेंगे आने वाले दिनों में? आने वाला तो देखिए समय और वक्त बताएगा। जी, थैंक यू।